हाय एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज इस वीडियो में हम पाइथन का सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रिंट जेड। तो अभी तक हम पाइथन के सिंटेक्स से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, बट डोंट वरी, बहुत ईजी है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम पाइथन में अगर कुछ भी प्रिंट करवाना चाहें तो वो हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं अपने कंसोल या स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले वो सीखते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पाइथन में एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है। इस फंक्शन की हेल्प से हम जो भी डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहें वो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। मान लीजिए मेरे को पेपर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर कोटेशन मार्क्स में पेपर लिख दूंगी, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, स्क्रीन के ऊपर पेपर। तो इसका यूज करके हम अपना डेटा इजीली स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जितना भी हमने अभी तक सीखा है पाइथन के बारे में उस नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए अपना जेड शेप पैटर्न प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमें जेड शेप पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये हमारा जेड शेप पैटर्न है और हमारे पास यहाँ पे 5 रोज दी गई हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास 5 स्टार्स है और फिफ्थ रो में भी हमारे पास 5 स्टार्स है। सेकेंड रो में 3 स्पेसेस के बाद 1 स्टार है, थर्ड रो में 2 स्पेसेस के बाद 1 स्टार है और फोर्थ रो में 1 स्पेस के बाद 1 स्टार है। तो हमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो में इन स्पेसेस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन स्पेसेस के बाद हमें कुछ ना कुछ प्रिंट कराना है। कुछ ना कुछ इन द सेंस हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पाइथन में सीखा था कि हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके कुछ भी डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो फर्स्ट रो में हमें 5 स्टार्स प्रिंट कराने हैं भाई, तो मैं ऐसे प्रिंट फंक्शन में 5 स्टार्स डाल दूंगी। सेकेंड रो में मेरे को 3 स्पेसेस के बाद 1 स्टार प्रिंट कराना है। थर्ड रो में मेरे को 2 स्पेसेस के बाद 1 स्टार प्रिंट कराना है। फोर्थ रो में हमें 1 स्पेस के बाद 1 स्टार प्रिंट कराना है और फिफ्थ रो में अगेन मेरे को 5 स्टार्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं पाइथन में अपना जेड शेप पैटर्न डिस्प्ले कर पाऊंगी। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं। प्रिंट फर्स्ट रो में 5 स्टार्स, सेकेंड रो में 3 स्पेसेस के बाद 1 स्टार, थर्ड रो में 2 स्पेसेस के बाद 1 स्टार, फोर्थ रो में 1 स्पेस के बाद 1 स्टार और फिफ्थ रो में फिर से 5 स्टार्स। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो हमारी यहाँ पे आउटपुट एक्सेप्ट हो रही है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो हमें यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है। बट देखिए हम यहाँ पे एक जेड पैटर्न प्रिंट करने के लिए 5 प्रिंट फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों ना हम एक ही प्रिंट फंक्शन का यूज करके अपना जेड शेप पैटर्न प्रिंट कराएं। क्या ये पॉसिबल है? तो थोड़ा सा सोचिएगा कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपने अब तक सोचा होगा कि हम कैसे एक प्रिंट फंक्शन का यूज करके जेड शेप पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले अपनी नीड्स समझनी होंगी, हमारी नीड्स क्या हैं। हमारी नीड्स ये हैं कि जब फर्स्ट रो में हमारे 5 स्टार्स प्रिंट हो जाए ना, हमारा जो कर्जर है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए खुद से ही। हमारा कर्जर हमें यहाँ पे चाहिए तब। ठीक है, तो पाइथन में हम स्लैश एन की हेल्प से अपना कर्जर नेक्स्ट लाइन में मूव करा सकते हैं। उस अकॉर्डिंगली फिर हम अपना आंसर प्रिंट करेंगे। वो कैसे होगा देखिए, पहले मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर 5 स्टार्स लिखूंगी। अब मेरे को चाहिए कि मेरा कर्जर यहाँ ना रह के यहाँ आ जाए, तो वो कैसे आएगा? मैं स्लैश एन लगा दूंगी, अब मेरा कर्जर यहाँ पे आ चुका है। अब मेरे को 3 स्पेसेस देने हैं पहले, ठीक है, उसके बाद मेरे को 1 स्टार प्रिंट कराना है। अगेन यहाँ पे मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि ये स्टार प्रिंट करने के बाद मेरा कर्जर यहाँ पे आ जाए, तो वो कैसे आएगा? स्लैश एन, अब 2 स्पेसेस और स्टार। अगेन ये प्रिंट करने के बाद मेरा कर्जर यहाँ पे आ जाए, तो स्लैश एन 1 स्पेस स्टार।
अगेन ये प्रिंट करने के बाद मेरा कर्जर यहाँ रहने के बजाय सीधा यहाँ पे आ जाए, तो स्लैश है फिर 5 स्टार। तो इस तरह से हम अपना जेड शेप पैटर्न प्रिंट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 स्टार्स, हमें 5 स्टार चाहिए एक रो में, तो उसके बाद हम स्लैश एन लगाएंगे, फिर 3 स्पेसेस, 1 स्टार और स्लैश एन, फिर 2 स्पेसेस, 1 स्टार, फिर स्लैश एन, 1 स्पेस, 1 स्टार, फिर स्लैश एन और 5 स्टार्स। ठीक है, तो चलो उसको रन करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है और वो एक्सेप्ट भी हो रहा है। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल रहा है, दैट मींस हमने अभी तक जो भी सीखा है वो हम कोड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज करके अपना डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं और कैसे स्लैश एन को यूज करके हम अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।